गोरखपुर जोन में अपराध रोकने के लिए ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत सर्वाधिक सीसीटीवी लगाया जाएगा, जिसके संबंध में एडीजी जोन अखिल कुमार ने बताया कि अपराध नियंत्रण में सीसीटीवी की उपयोगिता काफी कारगर साबित हो रही है। बहुत से ऐसे मामले हैं जो कि सीसीटीवी उपलब्ध होने पर खुलासा किया जा रहा है, जिसमें निर्दोष व्यक्ति बच जा रहा है, क्योंकि कभी कभी फर्जी नामजदगी हो जाती है। इस तरह सीसीटीवी काफी सार्थक साबित हो रहा है, जिसको देखते हुए ऑपरेशन त्रिनेत्र शुरू किया गया है, जिसमें सभी थाना अध्यक्षों क्षेत्र अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, सम्मानित नागरिक, बिजनेसमैन, सांसद, विधायक, ग्राम प्रधान, पार्षद हैं, उनसे संपर्क करके उनसे प्रमुख चौराहों को, गलियों को गोद लेने के लिए अनुरोध किया जाए, जिससे शहर के हर चौराहे पर सीसीटीवी लगी रहे, जिससे अपराध नियंत्रण करने में सहायता मिले और उन सभी व्यक्तियों के योगदान की चर्चा की जाए जिसमें कुछ लोग अपना योगदान भी दे रहे हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीजी जोन अखिल कुमार ने कहा, जैसे आपने ऑपरेशन त्रिनेत्र का तो ठीक है, हमने शुरू किया था, मैं बोल दूंगा, बाकी ट्रैफिक और फिर ताला, अभी आप कई चौराहे पर मुझे आपको सिर्फ देखेगा, लाइव पिक्चर मिलती है। देखिए, सीसीटीवी की उपयोगिता अपराध नियंत्रण में काफ़ी पाई जा रही है। कई ऐसे केसेस हैं जो कि सीसीटीवी उपलब्ध होने पे, उनके फुटेजेस उपलब्ध होने पे, हम उन केसेस को जो अज्ञात थे और जटिल केसेस थे उसको सॉल्व कर पा रहे हैं। इसमें कई मामलों में निर्दोष आदमी बच भी जा रहे हैं, क्योंकि फर्जी नामजदगी बहुत हो जाती है, आदमी कहीं होता है उसकी नामजदगी हो जाती है, ऐसे मामलों में भी सीसीटीवी काफ़ी सार्थक प्रतीत हो रहा है। तो इन्हीं सब चीज़ को देखते हुए हम लोगों ने ये एक ऑपरेशन शुरू किया है त्रिनेत्र के नाम से, जिसमें हम लोगों ने सभी अपने थानाध्यक्षों को, क्षेत्राधिकारी को बोला है कि अपने क्षेत्र के जो जनमान्य गण हैं, जनप्रतिनिधि हैं, जैसे कि सांसद जी हैं, विधायक जी हैं, ग्राम प्रधान हैं, इन सबों से संपर्क करें, जो प्रमुख व्यवसायी हैं, जिसमें यहाँ पर बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, वो लोगों को इसमें इन्वॉल्व किया जा सकता है, पेट्रोल पंप ओनर्स हैं, अन्य व्यवसायी हैं, उन सब से अनुरोध करके और उनकी सहमति से अलग अलग स्थानों पर उनसे प्रमुख चौराहों को, गलियों को गोद दिलवाया जाए, और वो गोद जब लेंगे तो वहाँ पर सीसीटीवी लगवाया जाए अच्छी क्वालिटी के, जिससे अपराध नियंत्रण करने में हमें सहायता मिले और उन लोगों का भी वहाँ पर इस बात की चर्चा हो कि हाँ, इस संस्था ने, इस व्यक्ति ने यहाँ पर इस क्षेत्र में जन सहयोग किया है और शहर की सुरक्षा में एक सार्थक कदम उठाया। इस प्रयोग को हमने जब शुरुआत की तो अभी यहाँ जो पैथोलॉजी है बेतिया हाता में, लाइफ पैथोलॉजी, उनके ओनर हैं डॉक्टर अमित, मैंने उनसे बात की और वो उन्होंने सहर्ष बेतिहाता थाने पर बेतिहाता चौराहा को गोद लिया है और वो सीसीटीवी लगवाएंगे अपनी तरफ से। तो एक छोटे से प्रयास से यह दिखता है कि शहर के जो हमारे अच्छे डॉक्टर्स हैं, अच्छे व्यवसायी हैं, अच्छे लोग हैं, इस ओर कदम उठाने के लिए तैयार हैं। एक सार्थक पहल की आवश्यकता है। इसी दृष्टिकोण हम लोगों ने सभी से अनुरोध किया है कि अपने अपने क्षेत्र में सीसीटीवी लगवाने के लिए मुहिम करें और जन सहयोग से और आप उनकी सहमति से, जनता के जो अच्छे लोग हैं उनकी सहमति से सीसीटीवी लगवाएं। मेरा मानना है कि हम जितना ज़्यादा आच्छादित कर पाएंगे अपने शहर को जन सहयोग से, उतना ज़्यादा हमारा शहर सुरक्षित होगा और अपराध नियंत्रण में हमें बहुत मदद मिलेगी।